बिना चीनी, बिना मावा और बिना दूध के बस दो चीजों से आज हम बिल्कुल हलवाई जैसी कलाकंद बनाएंगे और बस आधे घंटे में बनने वाली ये सॉफ्ट सा कलाकंद उतना ही टेस्टी बनेगा ठीक जैसे आप हलवाई से खरीदते हैं। तो कोई भी ओकेशन हो, बिल्कुल लास्ट टाइम पे आप इसे फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। तो कलाकंद को जमाने के लिए मैंने ऐसे चौकोर शेप की बॉक्स ली है। इसे मैं घी से ग्रीस नहीं करूंगी क्योंकि मैं इसमें ये फॉयल पेपर सेट करूंगी, लेकिन अगर आप बटर पेपर लगाते हैं तो घी से जरूर ब्रश कर लेना। तो बॉक्स में अच्छे से इसे सेट कर दूंगी। इसे जब कलाकंद को हम निकालेंगे तो बहुत आसानी से वो निकल आएगा। अब यहाँ मैंने करीबन 300 ग्राम पनीर ली है और पनीर को मैंने ऐसे ग्रेट करके ली है। तो ये सारे पनीर को इस पैन में डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर कुछ देर इस पनीर को हम चलाएंगे और ऐसे थोड़ा थोड़ा दबाते हुए इसे स्मैश भी करेंगे। यहाँ पे हमें घी वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पनीर में ऑलरेडी बहुत सारे घी रहता है। तो करीबन 3-4 मिनट मैंने इस पनीर को भून ली है। अब इसमें डालेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क और अब मीडियम फ्लेम पर पनीर को कंडेंस मिल्क के साथ पकाएंगे। तो यहाँ पे हमें दूध, चीनी कुछ भी नहीं डालनी है क्योंकि कंडेंस मिल्क में ये सारे चीजें रहता है। तो बस हमें इसे कुछ देर चलाते रहना है और ये मिक्सचर अभी गीला गीला सा है, इसे हमें चलाते हुए सुखाना है। मीडियम फ्लेम पर चलाते समय इसे आप छोड़ मत देना, कंटिन्यू चलाते रहना क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा बनने में। और अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे से जलने लगेगा। और पिछली वीडियो में आप लोगों का बहुत ज्यादा कॉमेंट मुझे मिला है तो मैं बहुत जल्दी कंडेंस मिल्क बनाने की वीडियो भी आपसे शेयर करूंगी। ये देखिए, कंडेंस मिल्क डालने की करीबन 12-13 मिनट बाद ये मिक्सचर काफी सूख चुका है। तो अभी फ्लेम को लो करेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच गुलाब जल और 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और इसे अच्छे से इस मिक्सचर में मिला देंगे। अभी इसे हमें और सुखाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नमी इसमें रहना चाहिए तभी कलाकंद सॉफ्ट बनेगा। तो फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे इस बॉक्स में डाल देंगे और कलची से हल्का हल्का सा दबाते हुए इस मिक्सचर को बॉक्स में फैला देंगे और जितना थिकनेस आप रखना चाहते हैं इसे उतना ही फैलाएं और ऐसे अच्छे से दबा दे, तभी ये कलाकंद अच्छे से सेट हो पाएगा। अगर ये ढीला ढीला सा रहेगा तो ये ठीक से सेट नहीं होगा और कलाकंद की पीसेस निकालते समय बिखर जाएगा। अब ऊपर थोड़ी सी ग्रेट किया हुआ पिस्ता डाल देंगे, इससे मिठाई टेस्ट के साथ साथ देखने में भी काफी बढ़िया लगेगा। अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ देंगे। आप इसे फ्रिज में रख के भी जल्दी से ठंडा कर सकते हैं। कलाकंद अच्छे से जम चुका है तो अब इसे पीसेस में काट लेंगे। आप अपने मनपसंद कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं। तो देखा दोस्तों, बिना कोई झंझट के बस दो चीजों से ये टेस्टी मिठाई को आप बस आधे घंटे में ही बना सकते हैं। और ये देखिए, इसका टेक्सचर भी कितना बढ़िया आया है, बिल्कुल हलवाई जैसी। और देखिए ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।